जी बेटा, अब आज के जो क्वेश्चन फिलहाल आपके सामने मैं रख रहा हूं वो क्वेश्चन राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड विच वुड यील्ड दी फॉलोइंग प्योर अल्कीन्स ऑन डी हाइड्रो हेलो जिनेशन। देखो पिछले केस में क्या हो रहा था, मैं पहले यहाँ पे सब पार्ट्स लिख लूँ इसके। वन ब्यूटीन, टू पेंटीन, प्रोपीन, अच्छा अब जरा गौर करो। देखो इससे पिछले जो सवालात थे यानी कि ये वाले जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम था, अच्छा ये वाले भी जो अभी हमने प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सवाल आपके सामने रखा है ये भी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का ही है, सही है। और जो इससे पहले ये वाले तुमने किए हैं ये भी बेटा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का है। फर्क क्या है दोनों में? देखो इस वाले सवाल में तुमसे कहा था कि ये वाले अल्कीन्स सॉरी ये वाले अल्काइल हैलाइड्स हैं, इन अल्काइल हैलाइड्स का डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का रिएक्शन होगा तो नतीजे में कौन सा अल्कीन बनेगा, आप ये बताइए। सही है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के ऊपर कौन सा अल्कीन बनेगा ये बताइए। यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है और अल्कीन पूछ रहे हैं आपसे कि कौन सा अल्कीन मिलेगा आपको। सही है, अब ये वाला जो सवाल है ये सवाल इस पिछले सवाल का रिवर्स केस है। इसमें आपको इसमें आपको अल्काइल हैलाइड दिए हुए हैं समझ लो, और आपसे बोल रहे हैं कि भाई ये वाले अल्कीन हमें बनाकर दे दो, आप ये वाले जो अल्कीन है ना ये अल्कीन बनाकर दो, अल्काइल हैलाइड हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, देखो बेटा एक बात मेरी याद रखना, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर सीधे सीधे सवाल पूछे नहीं जाते। देखो हमने पढ़ा क्या था, थोड़ा सा तुम्हें लग रहा होगा कि सर अजीब अजीब सी चीजें करवा रहे हैं। देखो बेटा अजीब अजीब सी चीजें करवाना मजबूरी है। आपने पढ़ा क्या था, आपने ये पढ़ा था डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, आपने ये पढ़ा था। और पास पेपर्स आप उठाकर देख लो, अभी मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा पास पेपर्स। पास पेपर्स में जब क्वेश्चन आया है ना तो वो ये वाला क्वेश्चन आया है या फिर ये क्वेश्चन आया है, यानी कि सीधे सीधे वो चीज पूछ ही नहीं रहे हैं आपसे जो आपको टेक्स्ट में वर्किंग में करवाई जा रही है। आपसे तो इनडायरेक्ट प्रॉब्लम्स पूछी जा रही हैं। अब इनडायरेक्ट प्रॉब्लम्स में देखो अच्छा स्ट्रॉन्ग आपका हैंड होने के लिए जरूरी कुछ चीजें हैं कि आपने पहली चीज तो इनडायरेक्ट प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस की हुई हो, दूसरी चीज बल्कि पहली चीज तो ये कि आप जो भी इनडायरेक्ट प्रॉब्लम है उसके पीछे बिहाइंड द सीन जो थ्योरी है उसकी आपको वो पता होनी चाहिए सबसे पहले तो। और उसके बाद
दूसरे नंबर पर उस पर्टिकुलर इनडायरेक्ट प्रॉब्लम की आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की भी होनी चाहिए। अगर आपने प्रैक्टिस की हुई होगी तो आप ये काम कर जाएंगे, अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं की हुई होगी आपने तो ये काम आप नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो मुझे बनाना क्या है, 1-butene बनाना है। ध्यान से रखना, अभी कुछ नहीं लिखो, सिर्फ मेरी बात को सुनो। मुझे क्या बनाना है बेटा, 1-butene बनाना है, सही है ना? मुझे 1-butene बनाना है। तो 1-butene के लिए मेरे पास, मैं प्रोडक्ट को सामने रख लेता हूं पहले कि मेरे सामने प्रोडक्ट क्या होगा। ये मेरे सामने प्रोडक्ट बनेगा, ये है 1-butene, ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट होगा। अब इस 1-butene को बनाने के लिए मेरे पास अल्काइल हैलाइड कौन सा होगा, मुझे ये बताना है। देखो, एक अल्काइल हैलाइड जो मुझे समझ में आ रहा है वो तो ये हो सकता है, मेरी बातों का जवाब देते हुए चलना ताकि मुझे पता चले कि कहां तक पहुंच रहे हो। सही है, हाँ भाई, क्या लगता है, सही बना रहा हूं? इस वाले कार्बन में से अल्फा कार्बन, इस वाले में से हैलोजन निकाल दूंगा और इसके पड़ोस में से हाइड्रोजन निकालूंगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा दोनों के बीच में और ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। क्या लगता है, सही कह रहा हूं? यस सर। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई एक बात। अब जरा थोड़ा सा अपनी नजरों को जरा वसी करो, थोड़ा सा नजरों को ब्रॉड करके एक और चीज पे जिस पे ध्यान दिलाना चाह रहा हूं उसको देखना। ये जो स्ट्रक्चर मैंने अभी तुम्हारे सामने बनाया है दूसरा वाला, क्या इससे 1-butene बन सकता है? क्या लगता है तुम लोग? बन जाएगा सर, लेकिन इससे 2 बनेंगे। वेरी गुड, बन जाएगा लेकिन इससे सर 2 बन जाएंगे। देखो कैसे 2 बनेंगे, ये अल्फा कार्बन है, हैलोजन लगा हुआ है, इधर से जब क्लोरीन निकलेगा तो इसके 2 नेबर्स हैं। अल्फा कार्बन 2 कार्बन से अटैच है। जी बेटा बिल्कुल, वेरी गुड। अब ये अल्फा कार्बन है, इस पर हैलोजन लगा हुआ है, अब इसके 2 नेबर्स हैं यानी 2 बीटास हैं। तो आपको या मुझे थोड़ी पता कि कौन से बीटा से हाइड्रोजन निकल रहा है, इस बीटा से भी हाइड्रोजन निकल सकता है, इस बीटा से भी हाइड्रोजन निकल सकता है। अच्छा, इस बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहां आएगा, ठीक है, और अगर इस बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा। अच्छा, अगर डबल बॉन्ड यहां आया तो आपका रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा जो आपको बनाना है। तो इसका यह मतलब होता है कि मैं इन दोनों की डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करवाऊंगा, यानी कि इन दोनों कंपाउंड्स की डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हो सकती है। अच्छा, ये डिहाइड्रोहैलोजिनेशन किस लिए हो रही है? रिक्वायर प्रोडक्ट बनाने के लिए, जो आपको ऑलरेडी सवाल में दिया हुआ है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ठीक है, अब डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होगी दोनों ही कंपाउंड्स की तो आपका रिक्वायर प्रोडक्ट ये है, ये रिक्वायर प्रोडक्ट बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड विद CH2 CH3। अब ये क्या है, ये है 1-butene, सही है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये 1-butene का स्ट्रक्चर दोनों से पॉसिबल है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, इन दो में से अगर मैं आपसे पूछूं कि ज्यादा बेहतर कौन सा रहेगा तो आपका कोई पर्टिकुलर एक सिलेक्शन होगा या दोनों के ऊपर आप टिक करेंगे? सर ए वाला। ए वाला क्यों? सर बी वाला। अच्छा, ए वाला क्यों? सर बी वाला। नहीं मैं बी, अच्छा चलो तुम बताओ बी वाला क्यों बेटे? सर क्योंकि ए में ब्रांच टर्मिनल पे, ए में ब्रांच टर्मिनल पे, ठीक है, तो इस वजह से बी वाला बेहतर रहेगा, सही है। और ए का जवाब मुझे किसने दिया?
सर मैंने दिया था। बताओ ए वाला क्यों उरूज? सर क्योंकि बी वाले की दो पॉसिबिलिटीज थी, आपने अभी बताया कि दो आ सकते हैं, इसलिए मुझे फील हुआ कि फर्स्ट वाले के अगर एक ही पॉसिबल होता है और वो यही है जो हमें रिक्वायर है तो हम ए को ही प्रेफर करें। वेरी गुड, वेरी गुड उरूज, बिल्कुल सही। अच्छा एक बात बताओ, मैंने अभी पार्टिसिपेंट टैब खोला हुआ है, वो स्क्रीन पे नजर आ रहा है क्या तुम लोगों को? नो सर। ओके सही है। तो उरूज बेटा आपका जवाब सही है बिल्कुल। तो यहाँ पर बेहतर है ए वाला, और उसकी वजह भी उरूज ने बिल्कुल सही बताई कि वजह भी इसकी यही है बेटा कि ए वाले से सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है, और बी वाले से दो पॉसिबिलिटीज हैं। अच्छा ए से जो पॉसिबिलिटी आ रही है वो वही कंपाउंड है एग्जैक्टली 100% जो आपको चाहिए, और बी से जो दो चीजें बन रही है यानी दो स्ट्रक्चर जो बन रहे हैं उसमें से एक आपको चाहिए और एक आपके लिए बेकार है, मतलब एक आपको नहीं चाहिए, रिक्वायर नहीं है। तो इसलिए यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बी से आपको 50% प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि 50% 2-butene बनेगा, 50% 1-butene बनेगा, लेकिन ए से आपको 100% 1-butene ही मिलेगा। तो आपने नीचे स्टेटमेंट लिखनी है, इन दिस केस कंपाउंड बी, सॉरी कंपाउंड ए इज बेटर अच्छा बी बी ए कौन सा है मैं यहां पर लिख लेता हूं, एक ए बल्कि मैं इसको मिटाकर कंपाउंड ए, ए कौन सा है 1-chloro-butene इज बेटर बिकॉज कंपाउंड ए बेटर क्यों है, इट गिव्स Only 1-butene on dehydrohalogenation. dehydrohalogenation. ठीक है बेटा, बात समझ में आई कुछ? Yes. अच्छा अब इसका जो दूसरा पार्ट था वो करते हैं, 2-butene है ना, अच्छा अब मैं चाहूंगा कि जब मैं 2-butene वाला कर रहा हूं तो ये 2-butene जो है ना ये तुम लोग मुझे बताओ। अच्छा एक बात बताओ, 2-butene बनाने के लिए कौन कौन सी सिलेक्शन हो सकती है, सिलेक्शन कैसे होगी पहले ये सुन लो। सिलेक्शन के लिए जरूरी है कि तुम्हारा जो अल्काइल हैलाइड हो उसके अंदर 4 carbon ही हो चेन में, तो आंख बंद करके पहले 4 carbon बना देना, ठीक है, ब्यूट स्ट्रक्चर बना लेना आग बंद करके। अब 2 पे तुम्हें ब्यूटीन चाहिए यानी कि डबल बॉन्ड चाहिए, यानी कि यहां पर तुम्हें डबल बॉन्ड चाहिए इस जगह पर, ओ बल्कि सॉरी बेटा 2-butene नहीं, ये 2-pentene है, क्योंकि ये बिल्कुल पिछला वाला ही केस हो जाएगा, इसमें अगर मैंने 2-butene रखा तो पिछला वाला ही हो जाएगा, क्योंकि देखो इसमें यही वाला स्ट्रक्चर है। 2-butene के लिए क्या है, आप ये वाले कार्बन पे क्लोरीन लगाओ और इसमें कोई और पॉसिबिलिटी है ही नहीं, इसलिए 2-butene के ऊपर नहीं जा रहा मैं, इसको 2-pentene कर दो तो बेहतर रहेगा, इसे कर दो 2-pentene। अब 2-pentene के लिए क्या है, आपको 5 carbon in chain करने होंगे, कर दिया आपने 5 carbon in chain।
अब यहां पर पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है? एक पॉसिबिलिटी जो मुझे नजर आ रही है वो ये कि इधर मैं कोई भी हैलोजन लगा दूं, लाइक क्लोरीन लगा दिया। अब देखो, अगर क्लोरीन यहां से रिमूव होगा तो हाइड्रोजन या तो यहां से रिमूव होगा या फिर यहां से रिमूव होगा। अच्छा, यहां से अगर हाइड्रोजन रिमूव होता है तो डबल बॉन्ड यहां आएगा, और यहां डबल बॉन्ड आया तो ये 1 पेंटीन बन जाएगा, मुझे तो 2 पेंटीन बनाना है, तो ये वाला केस सही नहीं है। अच्छा जी, लेकिन अगर क्लोरीन यहां लगा और हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो तो इस कार्बन उस कार्बन के दरमियान यहां पर आएगा डबल बॉन्ड, और ये बन जाएगा 2 पेंटीन। 1 यहां पर नंबरिंग करोगे सबसे करीब कहां से पड़ेगा, यहां से पड़ेगा, क्योंकि यहां से करोगे तो 1, 2, 3 पे डबल बॉन्ड मिलेगा, यहां से नंबरिंग करोगे तो 1, 2 पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी तो मुझे ये नजर आ रही है। एक और पॉसिबिलिटी क्या है, कोई मुझे बता सकता है? थर्ड वाले पे लगाएं क्लोरीन, क्लोरीन थर्ड पर लगा हुआ हो तो, क्लोरीन थर्ड पर लगा हुआ हो तो, बिल्कुल बेटा सही कहा आप लोगों ने। अगली जो पॉसिबिलिटी बनती है वो यही बनती है कि क्लोरीन जो है, हाइड्रोकार्बन जो है, सॉरी अल्काइल हैलाइड जो है फंक्शनल ग्रुप, वो आप तीसरे कार्बन पे लगा दो। अच्छा, तीसरे कार्बन से पॉसिबिलिटी क्या होगी, जरा इसको जज करो पहले। इधर पे अगर हाइड्रोकार्बन लगा है, सही है, इस जगह पर, तो सॉरी फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो इधर से अगर मैं इसको हटाता हूं तो इसके दो नेबर्स हैं, कि एक ये, इधर से हाइड्रोजन रिमूव होगा या इधर से हाइड्रोजन रिमूव होगा, दोनों सूरतों में एक डबल बॉन्ड इधर आएगा, तो इधर से आ जाएगा 1, 2, 2 पे पेंटीन, सही हो गया। अच्छा, अगर ये हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से रिमूव करूंगा तो यहां से डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इसकी जो नंबरिंग करोगे तो क्या बनेगा, 1, 2, 2 पेंटीन, इधर से भी 2 पेंटीन, इधर से भी 2 पेंटीन, क्योंकि हम नंबरिंग तो वहां से करते हैं जहां से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिले। तो इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज हैं, दो केसेस हो सकते हैं, दोनों केसेस हमने ड्रॉ कर लिए, और ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को बात समझ में आ रही है, लेकिन मुझे ऐसा लग भी रहा है कि बात जो है वो सिर्फ दो लोगों को समझ में आ रही है, क्योंकि आवाज मुझे सिर्फ दो ही की आ रही है, बाकी आज पता नहीं क्या थक गए हैं या समझ नहीं पा रहे हैं, क्या मसला है। इन दो के अलावा जो आवाजें मुझे अभी तक आई, बाकी जरा कुछ आवाजें अगर सुनने को मिल जाए तो मैं समझूंगा कि मेरे अमाल कबूल हो रहे हैं नेक। जी सर, समझ आ गया। बेटा बोल क्यों नहीं रहोगे, बाकी पता नहीं कहाँ है। जी, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, तो डीहाइड्रो हैलोजिनेशन कराई दोनों की। जब दोनों की डीहाइड्रो हैलोजिनेशन कराओगे तो दोनों से आपका रिक्वायर प्रोडक्ट क्या है, 2 पेंटीन बनेगा, तो 2 पेंटीन दोनों से मैं बना लेता हूं 2 पेंटीन। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं बोलूं कि दोनों में से बेहतर कौन सा है तो आपका क्या जवाब होगा? असल मसला ये दोनों में से बेहतर निकालना है, 2 पेंटीन बनाना नहीं। इन दोनों में से कौन सा बेहतर है? केस ए बेटर है, केस बी बेटर है, जल्दी बताओ। ए बेहतर है, सही है। ए क्यों? सर सेम रीजन है बेटा, ए बेहतर नहीं है, इसमें बी बेहतर है। जरा गौर करो, गौर करने के बाद जब तक मैं रीजन लिख लेता हूं, इतने में मुझे गौर करने के बाद जरा बताना कि बी क्यों बेहतर है, बी को मैं बेहतर क्यों कह रहा हूं। सर क्योंकि अगर हम बी से, अगर हम दोनों जगह से फंक्शनल ग्रुप रिमूव करें तो हमें दोनों जगह से 2 पेंटीन ही मिल रहा है, इसी वजह से तो नहीं? बिल्कुल इसी वजह से,
because it only gives 2 pentene on dehydrohalogenation. काउंटिंग उस तरफ से की है इसमें किसमें बेटा बी में काउंटिंग एक में इस तरफ से और एक में दूसरी तरफ से की है हाँ बेटा देखो बेटा एक बहुत सिंपल सी बात है अगर किसी को समझ नहीं आ रहा कि टू बी वाला क्यों बेहतर है तो बेटा बी वाला इसलिए बेहतर है सिंपल सी बात है देखो कार्बन अगर इधर से क्लोरीन रिमूव हुआ तो इसके दो नंबर्स है एक ये और एक ये इधर से हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो डबल बॉन्ड इधर आएगा और इधर से हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो डबल बॉन्ड इधर आएगा अब इधर अगर डबल बॉन्ड आ गया तो नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5 और अगर इधर से डबल बॉन्ड आएगा इधर तो नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5 क्योंकि जहां से डबल बॉन्ड करीब होता है नंबरिंग तो वहां से करते हैं ना तो जरा गौर करो तो दोनों ही जगह से 2 pentene बन रहा है इस वाले केस में क्या है कि अगर यहां से हाइड्रोजन रिमूव होता है तो डबल बॉन्ड आया यहां पर और अगर यहां से हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो डबल बॉन्ड आया यहां पर दोनों ही केसेस में नंबरिंग कहां से होगी 1 2 3 4 5 यहीं से ही होगी ये वाले केस में तो सही है 2 pentene बन रहा है लेकिन इस वाले केस में तो 1 pentene बन जाएगा फर्क समझ में आया जी सर यस सर गुड ठीक है भाई चलो अगर तुम लोग समझ गए हो चीजों को बहुत अच्छी बात है अच्छा एक काम करो तीसरा वाला पार्ट अभी ट्राई करके देखो खुद से प्रोपीन वाला ये जो प्रोपीन वाला है जरा इसको ट्राई करके देखो आप लोग खुद और मुझे फिर आंसर बताओ ठीक है और 2 3 4 ट्राई मिथाइल टू हेप्टीन तो ये तीन क्वेश्चंस तुम लोग होमवर्क में कर लो ठीक है काफी होगा मेरे ख्याल से और ये तीन तो खैर अभी हम लोगों ने क्लास में कर लिए हैं ये तीन क्वेश्चंस होमवर्क में कर लो ये एल्कीन्स बनाने हैं मुझे विद द हेल्प ऑफ सम अल्काइल हैलाइड आई डोंट नो कौन से अल्काइल हैलाइड कौन कौन से अल्काइल हैलाइड बल्कि मैं ये कहूंगा आपने वो अल्काइल हैलाइड एक तो फाइंड भी करने कौन कौन से है और फिर उन सब में सबसे बेहतरीन कौन सा है वो भी बताना है तो इन तीन सवालों के लिए मैं आप लोगों के जवाबों का मुंतजर रहूंगा आप सबके जवाबों का ठीक है भाई कोई सवाल बेटा कोई सवाल बेटा नो सर नो सर अच्छा HW क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से क्या कह रही हो मैं बेटा क्या रिपीट करूं क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन रिपीट करूं बेटा देखो ये जो तुम अभी जो तीन सवाल हमने किए हैं ना सही है क्वेश्चन वही है बस मैंने तीन पार्ट्स आपको होमवर्क में दिए हैं कौन कौन सा ये वाला 2-methyl-1-pentene बनाना है 3-4-5 ट्राइमिथाइल 3-hexene बनाना है और 2-3-4 ट्राइमिथाइल 2-heptene बनाना है ये तीन क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है अल्काइल हैलाइड कौन सा होगा मुझे नहीं पता खुद सिलेक्ट करोगे बल्कि कौन सा नहीं कौन कौन सा होगा ये आप लोग खुद सिलेक्ट करोगे और फिर करने के बाद मुझे बताओगे मतलब उसमें लिखोगे जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है
दो पॉसिबिलिटीज थी, दो में सबसे बेहतर कौन सा मैंने लिख के बताया कि भाई ये वाला सबसे बेहतर है। ऐसे ही इनको करने के लिए अगर एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं तो सबको लिखने के बाद फिर बताओ कि कौन सा वाला ज्यादा बेहतर, ये चीज करनी है, और फिर उससे फाइनल स्ट्रक्चर भी बनाओ। बिल्कुल इसी पैटर्न पे करना है जैसा मैंने करवाया, ठीक है? एमन क्लियर? ठीक है बेटा, और कोई सवाल किसी को? बाकी बात इंशाल्लाह आपसे मंडे को। अल्लाह हाफिज़।